हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है, इसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अब जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात आती है, स्टूडेंट्स जनरली फॉर्मूला याद करते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है याद करना। अब मैं आपको बताऊँगा फॉर्मूला कैसे आता है वो, और बिना फॉर्मूला याद किए आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के क्वेश्चन को एक या डेढ़ मिनट में सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है, इसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक लाइन बनाई है L1। ये जो लाइन L1 है ये दोनों सर्कल्स को एक पॉइंट पे टच करती है। एक ही लाइन दोनों सर्कल को टच करती है एक एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे बड़े सर्कल को और पॉइंट बी पे छोटे सर्कल को एक लाइन L1 टच करती है। अब ये लाइन L1 दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है। सर्कल ए के लिए टेंजेंट है पॉइंट ए पे, सर्कल बी के लिए टेंजेंट है पॉइंट बी पे, तो ये लाइन कॉमन टेंजेंट हो गया। एक लाइन दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? ये जो लाइन है वो सर्कल बड़े सर्कल को पॉइंट ए पे टच करती है, छोटे सर्कल को पॉइंट बी पे टच करती है, तो ए बी जो होगी आपकी वो होगी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको मान लेते हैं कितनी है x, ये है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये x हो गया आपका। अब x, ये जो BC है ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस है इसको मान लिया मैंने स्मॉल r। ये AD ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल R। अब दोनों सर्कल की रेडियस है। अब हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे, जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सर्कल पे, वो एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो कैन आई से दैट ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 90 का होगा, और ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 का होगा। मुझे एक्स की लेंथ निकालनी है, देखिए अब मैं कैसे एक्स की लेंथ को फाइंड करूँगा। वट आई विल डू, मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए डी के ऊपर। आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द लाइन ए डी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन ए डी पे, सी ई, सी ई परपेंडिकुलर है लाइन ए डी पे। अब देखो ये जो ए बी सी ई, ए बी सी ई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें तीनों एंगल 90 है, तो दो चौथा एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब ये चारों एंगल 90 है तो इसका मतलब क्या होगी, कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी? ये रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए ई की लेंथ भी कितनी होगी? स्मॉल आर, बिकॉज ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेम वे कैन आई से ई सी कितना होगा? ये भी एक्स होगा, बिकॉज ए बी के बराबर होगा, अपोजिट साइड्स इन ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो इस एक्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ देखिए अब कैसे निकलेगी। अब मैं ज्वाइन कर दूंगा सी और डी को। अब मैंने सी और डी को ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस कितना होगा? डी ई, ये पूरा ए डी आर था इसमें से ए ई स्मॉल आर है, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा मेरा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर मीन्स बड़ी सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर मीन्स छोटे सर्कल की रेडियस। सो आपका जो ये डिस्टेंस बचेगा डी ई, ये कितना होगा? आर माइनस आर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ट्रायंगल, आप ट्रायंगल सी ई डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, आपके एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। क्या मैं कैन आई से दैट एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी। सी डी जो है वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है। मान लो डी, ये आपको गिवन होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, ये किसके इक्वल होगा? डी स्क्वायर के इक्वल। तो आप आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और हम अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। यही होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, यही फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को बिना याद किए आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो एक या डेढ़ मिनट में एग्ज़ाम में। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो भी ठीक है, अदरवाइज बिना फॉर्मूला याद किए आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं, द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर वन है, सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर।
आर 17 सेंटीमीटर अपार्ट, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है हमें, 17 सेंटीमीटर। अब एक की रेडियस गिवन है 3, ये रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस जो पूरी एडी है ये आपकी है 11 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर, तो मैं सी और डी को ज्वाइन करूंगा और वो डिस्टेंस कितना होगा 17 सेंटीमीटर। तो मुझे डी गिवन है कितना, 17 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बिना फॉर्मूला याद किए आप एक या डेढ़ मिनट में इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली सी से परपेंडिकुलर गिराना है एडी के ऊपर, सी से परपेंडिकुलर टू द साइड एडी। तो मैंने सी से परपेंडिकुलर गिराया एडी के ऊपर, सी ई परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब ये परपेंडिकुलर, ये ए बी सी ई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके तीनों एंगल 90 है, तो चौथा एंगल भी कितने का होगा 90, ये वाला एंगल भी कितने का हो जाए 90, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, मान लो एक्स है तो ए बी एक्स है तो सी ई भी एक्स होगी। अब देखो ये पूरी ए डी की लेंथ थी आपके पास 11, तो कैन आई से दैट ए ई तो 3 ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, टोटल 11, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 8। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो अब एक्स निकालोगे तो आपका स्ट्रेट वे आ जाएगा 15। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 8, 15 एंड 17। तो एक से डेढ़ मिनट में आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला को याद किए। आपको बस पता होना चाहिए कि जिस तरह से प्रूफ किया था उसी तरह से सारे क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व होंगे। चलिए अब दो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एंड द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लेता हूँ सेंटर ये सी है, ये पॉइंट डी है, ये सेंटर सी डी, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस गिवन है आपको सी डी, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। अब सेंटर के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, मान लो कि ये रेडियस आर है बड़े सर्कल की, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। अब जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, वो होगा आर प्लस आर। जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आएगा इसमें आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बिकॉज दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब हमें गिवन है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल के बीच में, वो कितना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो मान ले ये ए है, ये पॉइंट बी है आपका। अब आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हम क्या करेंगे डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी ई ए सी के ऊपर। डी ई मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये छोटे सर्कल की रेडियस थी स्मॉल आर, तो ये भी कितनी हो जाएगी स्मॉल आर, बिकॉज ये क्या बन जाएगी आपकी रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल, चारों एंगल 90 के होंगे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका आर माइनस आर, सी ई हो जाएगा आपका आर माइनस आर, वो हो जाएगा आर प्लस आर, और ई डी कितना हो जाएगा, ई डी और ए बी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल है, तो ई डी की लेंथ भी आपकी कितनी हो जाएगी 12। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से बड़े सर्कल की लेंथ निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं 12 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 12 स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब आर प्लस आर हमें गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स जो है वो कितना है 13 है, ये जो डी है वो कितना गिवन है हमें 13 गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आर प्लस आर 13 हो जाएगा। सो 12 स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये आएगा 5 स्क्वायर, तो आर माइनस आर आ जाएगा आपका दैट वुड बी 5। तो आपके पास r माइनस आर 5 आ गया, r प्लस आर जो है वो आपको गिवन है दोनों सर दोनों रेडियस का सम 13। इन दोनों को सोल्व करोगे ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं r प्लस आर और r माइनस आर इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 18, r इज इक्वल टू 9, तो कैपिटल 2r आ जाएगा मेरे पास 18, तो मेरे पास r आ जाएगा 9।
तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। दो सर्कल हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट क्या है क्यू। रेडियस गिवन है दोनों सर्कल की 8 सेंटीमीटर और 5। ये बड़ा सर्कल इसकी रेडियस 8, ये छोटा सर्कल इसकी रेडियस 5। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर हमें कितना गिवन है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन देम। तो हमें पता है कि रेडियस होगी, ये रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। अब हमें जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। मान लो ये डिस्टेंस है एक्स, अब हम क्या करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर गिरा देंगे, डी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर गिरा देंगे बी सी के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिराने के बाद ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल। ये 5 5 5 हो जाएंगे, ए डी और बी बी ई, ये दोनों 5 5 हो गए, ए बी और डी ई ये दोनों एक्स हो जाएंगे। अब ये आपका पूरा लेंथ 8 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 5 स्क्वायर के, सो एक्स आ जाएगा सिंपली 4 सेंटीमीटर। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करिए। इस चैनल का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी एप्टीट्यूड के कंसेप्ट है उसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना और क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूलाज याद किए कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करना, यही इस चैनल का ऑब्जेक्टिव।